नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में बताया था IRCTC में कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी IRCTC में कैसे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल अपने आओ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहले IRCTC आपको ओपन करेंगे, अलर्ट आएगा, अलर्ट को ओके कर देंगे। इस पेज की राइट साइड के ऊपर लॉगिन पर ओके करिए, आपका 4-डिजिट पिन ऊपर डालिए, लॉगिन एंड बुकिंग रूटीन में टिक करके लॉगिन करिए। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पे 6-डिजिट OTP जाएगा, OTP को एंटर करके वेरीफाई OTP पर ओके करिए। अभी आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। प्लान माई जर्निंग में टिकट बुक करेंगे, जो टिकट बुक करेंगे माई बुकिंग में शो करेगा। टिकट करने के लिए प्लान माई जर्निंग में ओके करिए। ऊपर जो फॉर्म लिखा है, आप कौन सा स्टेशन से जर्नी करना चाहते हैं यहाँ लिखिए। मैं डाल देता हूँ भुवनेश्वर, टू में हावड़ा डाल देता हूँ। भुवनेश्वर टू हावड़ा टिकट बुक करेंगे। नेक्स्ट आप कौन सा डेट में जॉइन करना चाहते हैं सिलेक्ट करिए। मैं 25 सितंबर सिलेक्ट कर देता हूँ। जो दिव्यांग है वो दिव्यांग कंसेक्शन पर टिक करिए, टिक करके शॉर्ट ट्रेन पर ओके करिए। ट्रेन लिस्ट आ गया, ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, हफ्ते में ट्रेन कितने दिन जा रहा है, सब डिटेल्स यहाँ पर है। जिस ट्रेन में आपको जॉइनिंग करना है सिलेक्ट करिए। नीचे आप सिलेक्ट करिए कौन सी क्लास में आप जॉइनिंग करना चाहते हैं। मैं स्लीपर में सिलेक्ट कर देता हूँ। 26 सितंबर सीट अवेलेबल है, मैं 26 सितंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ। आई एग्री पर ओके करिए, कन्फर्म पर ओके करिए, फिर ओके करिए। इस पेज पर पैसेंजर का डिटेल्स देना पड़ेगा। पहले नाम डालिए, एज डालिए, जेंडर पर टिक करिए, फिर कौन सा बर्थ आपको चाहिए सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके ऐड पैसेंजर पर ओके करिए। नेक्स्ट एड्रेस फिल करना पड़ेगा, आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो फिल करिए। मैं मेरा एड्रेस फिल कर देता हूँ। फिर पेमेंट मोड ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं। मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूँगा। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं ये सर नो करके रिव्यू जॉइनिंग डिटेल्स में ओके करिए। टोटल 351 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। पे करने से पहले रजिस्टर्ड मोबाइल पर 6-डिजिट OTP जाएगा, OTP को यहाँ डालिए, फिर प्रोसीड टू पे पर ओके करिए। भीम UPI थ्रू पे करेंगे। मैं फोन पे के जरिए पे करूँगा। मैं फोन पे का ID यहाँ पर डाल देता हूँ। आपका जो UPI ID डालिए, फिर पे 351 पर ओके करिए। फोन पे पे जाकर पे करने से हमारा टिकट कंप्लीट हो जाएगा। इस पेज को बैक कर देता हूँ। फोन पे आपको ओपन करेंगे, ओपन करने से पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर पे पर ओके करेंगे। आपका पे अमाउंट चेक करके सेंड पर ओके करिए, फिर UPI पिन डाल के पे कर देते हैं। सक्सेसफुल पे होने के बाद टिकट बुक हो जाएगा।